सत श्री अकाल जी, पंजाबी खबरों के बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास सुरखियां ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा दिवस मौके ते कीता नौकरशाहां नूं संबोधन। कहा सिर्फ देशित होना चाहिए है नौकरशाहां दे फैसलां दा आधार। दिल्ली की साकेत अदालत में महिला नूं मारी गई गोली। गोली लगन नाल महिला की हालत गंभीर, हस्पताल में जेरे इलाज। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नैशनल गेम्स 2022 दौरान पंजाब के जेतू खिडारियों का किया सन्मान। कहा पंजाब में खेडों का पद्धर उच्चा चुकने लई कोशिशां जारी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौकरशाहां नूं अपील करदे कहा कि देश ने उन्होंने वड्डी जिम्मेवारी दित्ती है ते उन्ते भरोसा रखिया है, जिस नूं कायम रखदे होए उन्होंने हर फैसले का आधार सिर्फ ते सिर्फ राष्ट्रहित होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सिविल सेवा दिवस मौके पर वधाई देंदे कहा कि उन्होंने सरकार राष्ट्र पहले नागरिक पहले नूं सूत्र मन के काम करती है। उन्हें कहा कि देश ने नौकरशाहां नूं बहुत वड्डी जिम्मेवारी दित्ती है ते उन्ते भरोसा रखिया है। नौकरशाहां नूं भी इस भरोसे उत्ते कायम रहिंदे होए अपने सारे फैसलों के केंद्र में सिर्फ अते सिर्फ राष्ट्रहित नूं रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लोक सेवा दिवस मौके शानदार सेवावां देण वाले नौकरशाहां नूं सन्मानित भी किया। दक्षण दिल्ली की साकेत अदालत में एक औरत नूं अणपछाते ने गोली मार दी। दोषी वकील की वर्दी में आया सी। सूत्रों अनुसार 3 तों 4 राउंड फायर किए गए तो औरत नूं कई गोलियां लगियां ने। पुलिस ने जानकारी दी। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि औरत अपने वकील के नाल गवाही देण लई आई सी जदों एक व्यक्ति ने उसनूं गोलियां मार दित्तियां। अधिकारी ने कहा कि पुलिस उसनूं तुरंत हस्पताल लेके गई है जिथे उसकी हालत गंभीर दसी जा रही है। सूबे विच लोगों नूं सस्तियां दरां उत्ते रेता ते बाजरी मुहैया करवाउण लई पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 5 जिलों दीआं 20 होर जनतक खड्डां लोगों नूं समर्पित कीतियां तां कि रेते की पिट हैड तों कीमत 5.50 रुपए प्रति क्यूबिक फुट यकीनी बनाई जा सके। मुख्यमंत्री ने जिला मोगा के पिंड संघेड़ा में पत्रकारों नाल गलबात करदिआं कहा कि जनतक खड्डां शुरू करन दे तीजे पड़ा तहत हुण लुधियाणा, फिरोजपुर, मोगा, होशियारपुर और SBS नगर जिले में 20 नवीं खड्डां शुक्रवार को कार्यशील कर दित्तियां गईआं ने, जिस नाल सूबे भर में चल रही जनतक खड्डां की गिणती वध के 55 हो गई है। उन्हें कहा कि सूबा सरकार जल्द पंजाब 150 जनतक खड्डां नूं कार्यशील करेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सूबा सरकार ने पिछले सरकारां विच वधे फुले रेत माफिया की जड़ वड़ दित्ती है तां जो लोगों नूं सस्तियां दरां उत्ते रेता मुहैया करवाया जा सके। इस मौके मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हुण तक सूबे दीआं 35 जनतक खड्डां राहीं 5.82 लाख मीट्रिक टन रेते की खरीद लोगों वालों की जा चुकी है और 20 नवीं खड्डां शुरू होने के 18.29 लाख मीट्रिक टन रेता लोगों को मुहैया होगा। एक होर मील पत्थर नहीं पिछे हो जाए यार, मर जाए रेता गाना मारो, मेरा बात सुन लो। एक साबित होने लग गया आज जो उद्घाटन किया है यह पब्लिक माइंड कहते हैं जनता दिया माइंड्स ने है जितों 5.5 रुपये पर फीट तुम अपनी ट्राली लिया के अपनी लेबर लैके आने लैके आओ नहीं तो इतने भी लेबर मिलती है 5.5 रुपये इतों रेता लेके जा सकते हो और यह लगभग 17 हेक्टेयर जगह की माइन है, बड़ी माइन बहुत 17 हेक्टेयर का मतलब हो गया 42 किले 42.5 एकड़ के खड हैगी है और 20 खड्डा अज एट ए टाइम पर चल पी ने असं इतने आए हैं पर बाकी 19 होर भी फिरोजपुर च लुधियाणा च मोगा हो गया नवा शहर तो शहर टोटल 55 हो गया हूँ तक के पब्लिक लाइन जो पहला 35 से उन्होंने हूँ तक असी 5,82,000 मीट्रिक टन रेता कट चुके अज वाले जी भी हो रही 18.5
अवेलेबल हो गया। असी गारंटी भी दी सी कि असी माफिया तोड़ांगे, थोड़ा टाइम लग गया पर रेत माफिया जिहड़ा है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। खेडां दे खेत्र विच सूबे की गवाची हुई पुरातन शान बहाल करने लिए आम आदमी पार्टी की सरकार की दृढ़ वचनबद्धता दोहराते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कौमी खेडां विच तमगा जितने वाले 147 खिडारियों की समर्पित भावना ते वचनबद्धता का सत्कार करदिआं इन्हां खिडारियों 5.43 करोड़ रुपए की नकद राशि सम्मानित किया। म्यूनसीपल भवन चंडीगढ़ विखे करवाए गए समागम की प्रधानगी करदिआं मुख्यमंत्री ने कहा कि देश विच पंजाब पहला सूबा बन गया जिसने कौमी खेडां दे जेतुआं नूं सम्मानित किया है। उन्हें कहा कि कौमी खेडां दे सोन तमगा जेतुआं नूं 5-5 लाख रुपए, चांदी दे तमगे जेतण वाले नूं 3-3 लाख रुपए ते कांसी दा तमगा जेतण वाले नूं 2-2 लाख रुपए नाल सम्मानित किया गया। भगवंत मान ने कहा कि सूबे के खिडारियों नूं खेडां विच मल्लां मारन लई उत्साहित करन ते नौजवानों नूं नशियां दी दलदल विचों कढ़न लई सूबे के खिडारियों नूं नगदी नामां नाल सम्मानित किया जा रहा है। उन्हें कहा कि ओलंपियन बलवीर सिंह सीनियर वजीफा स्कीम तहत खिडारी नूं 16,000 रुपए प्रति महीना वजीफा देण दा ऐलान करदिआं मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नौजवान खिडारियों का मनोबल उच्चा चुकने लिए सूबा सरकार ने यह वड्डा फैसला किया है। ये जिहड़ा फंक्शन है ये कोई पोलिटिकल फंक्शन नहीं, ये जिहड़ा समारोह है ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं। जिन्होंने मेहनत की है उन्होंने मेहनत को सलाम करने वाला फंक्शन, उन्होंने माण महसूस कराने वाला फंक्शन है। कहा गया कि तो पहला कदे भी इदा किया नहीं जाता, सी इग्नोर कर दिता जाता सी अणगौले, बिल्कुल सही कहा गया। प्लेयर भी नहीं पता होंदा सी कि जिहड़ा ये चैक दे रही है सरकार किहड़ियां गेमां दे रही है सानू, वह आप भुल जाते। पर साडी नीति यह है जदों गेमां खत्म होण 10-15 दिन के बिच जिन्हें जिन्हें मैडल जीते ने उन्होंने एप्रीशिएट करो ताकि वो अगले काम से लग सकन, अगले साल की तैयारी कर सकन। असी कॉमनवेल्थ के भी जो प्लेयर आए आने सार उन्होंने असी सम्मानित किया। असी खेडां वतन पंजाब दियां प्रोग्राम रखिया, लखां बंदियां ने हिस्सा लिया। वो खेडां जिहड़ियां भुल ही गए, गोला सिटना, लंबी छाल, उच्ची छाल, जिमनास्टिक, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, किन्नियां खेडां सी जिहड़ियां बस क्योंकि स्कूल चो PTI ते DPI मास्टर ने पोस्टां खत्म कर दी। स्कूल तो सरकारी स्कूल तो खास तौर पर दलिया वंडन वाली बिल्डिंगा बनाती, बस मिड डे मील खाओ तो आ जाओ। सो असी उन्हां स्कूलों नूं एक सच्ची मुची संस्था बनानी चाहते हैं, सिख्यक संस्था। सिख्या कल्ली किताबां दी नहीं, उत्थों बच्चे निकलन, खो खो वाले बच्चे उतों, वालीबाल वाले बच्चे निकल दुनिया च मल्ला मारन, वो ताम निकलेंगे जे उन्होंने असी माहौल देवे, माहौल तो बिना तो हो नहीं सकता। सो जे सरकार ये गल की जिम्मेवारी ले ले कि असी तुहानू माहौल देवे तो मैडल तुसी दिओ, तो मैनू उम्मीद है कि पंजाब के बहुत सारे प्लेयर जिहड़े ने ओलंपिक दे, एशियाड दे, कॉमनवेल्थ दे, किसी भी खेड दे वर्ल्ड चैंपियन दे ओ पोडियम ते होणगे और झंडा जिहड़ा उपर जांदा वो देखण। बस फर्क सिर्फ इन्ना कि हुण की है, हुण आपदे आप बने हुए हो तुसी। कोई नहर दे किनारे भजदा है जिथे नहर लंघदी है, नंगे पैरी पटड़ी दे भजे मैं देखे भजदे। कोई सड़क ते भजदा है भी मैं तैयारी करनी है फौज भर्ती होण दी जां कोई होर, कोई ट्रैक नहीं है किसी पिंड च। सो असी सारा कुछ ये उन्हें खाका बना लिया, हरेक पिंड च सिंथेटिक ट्रैक होवे, उहदे विच सारियां खेडां दा पिछाड़े ग्राउंड होवे, पूरी रौनक लगी होवे पिंड दी उस ग्राउंड दे विच। शर्त ला जो जे कोई नशे बेच जे पंजाब च, वो कहणगे जी की करिए, खरीदण वाली है नहीं कोई, सारे तो ग्राउंडां चले गए। ये बहुत वड्डा एक की पॉइंट है कि जे यूथ नूं असी स्पोर्ट्स वल ते रोजगार देके उन्होंने बिजी करिए। पंजाब दे खुराक सिविल सप्लाई ते खपतकार मामलों के मंत्री लाल चंद कटारू चक ने दस्सिया कि पंजाब ने लंघे दिन तक राज दियां मंडियां विच लगभग
45 लाख मीट्रिक टन कणक की खरीद की है। खुराक ते सिविल सप्लाई मंत्री शहीद भगत सिंह नगर जिले की बंगा मंडी में खरीद कार्यों का जायजा लैण लई पहुंचे हुए सन। उन्होंने इस तो पहला नवां शहर में खरीद एजेंसियां ते जिला प्रशासन नाल खरीद सीजन की प्रगति ते मुश्किलों संबंधी समीक्षा मीटिंग भी की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार वालों सिफारिश किए मुल कटौती की कटौती किए बिना हुण तक 2 लाख किसानों के खातों में 7300 करोड़ रुपए की अदायगी की जा चुकी है। खुराक मंत्री ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सूबे की खरीद एजेंसियों को किसानों बिना किसी नुकसान के कणक की पूरी रकम अदा करने के सख्त हुक्म दिए ने। बंगा मंडी में अपनी फसल वेचण आए किसानों गलबात करदिया मंत्री ने उन्होंने अपन मुश्किलों बारे पूछा, पर किसानों ने सरकार वालों निर्विघन खरीद प्रबंधों की शलाघा की है। उन्होंने मंडियों में काम करते मजदूरों तो मार्केट कमेटियों वालों किए प्रबंधों बारे भी जानकारी हासिल की। अज तुम सब पता कि पंजाब के अंदर वीट की प्रक्योरमेंट का सीजन चल रहा और पंजाब की इकोनमी के अंदर ये 2 सीजन जोड़े है क्योंकि पंजाब खेतीबाड़ी प्रधान स्टेट हैगा, सो इस करके बड़े महत्वपूर्ण ने पंजाब की आर्थिकता लिए भी, पंजाब के किसानों लिए भी, टोटल पंजाब की जोड़ा जनमानस बड़ी वीडी पद्धर से खेतीबाड़ी ने जुड़े। सो कणक की खरीद का पहली तो सिलसिला शुरू होया। सो अज मैं बंगा मंडी के अंदर आया, मेरे नाल साढ़े घनश्याम थोरी जी जिहड़े डायरेक्टर ने फूड सप्लाई दे और डीसी साहब नवांशहर, सो नाल साढ़े हलका इंचार्ज तमाम जिहड़े साढ़े समस्त अधिकारी ने, क्योंकि मान साहब लगातार ये उत्ते अपना बड़ा निगाह रख रहे हैं, किसी तरह की भी मंडी के किसान कोई दिक्कत ना आए ये साढ़े अधिकारी साहबान असी टोटल पूरी मुस्तैदी के नाल काम कर रहे हैं। सो आम तौर पर मंडी के किसान दियाँ 2 लोड़ा होंदिया मुख्य लोड़ा, पहली तो वो चिंता होंगी कि मंडी के मेरा फसल जी टाइम सर चकी जाए खरीदी जाए, तो वो नाल ही वो मंग होंगी भी पैसा जोड़ा है वह टाइम सर मिल जाए। सो दोवे सवालों के उत्ते बड़ा स्मूथली पंजाब के अंदर साडा सीजन चल रहा। हुण तक पंजाब दियां मंडियां दे विच कल तक जिहड़ा आ 55 लाख मीटर टन जिहड़ी है वो कणक पहुँची है और असी खुशी इस गल दी है भी लगभग असी जिहड़ा वो 45 लाख मीटर टन जिहड़ा आ पंजाब दी मंडियां चों खरीद चुके हैं सरकारी तौर पर, तो लगभग 7300 करोड़ रुपया 2 लाख किसानों के खातों के असी हुण तक जिहड़ा पा चुके हैं। सो पूरी तरह प्रबंध ने CCL है, बारदाना है, साढ़े अफीसर साहबान लगातार निगाह रख रहे हैं, बावजूद इस गल कि पंजाब के अंदर मौसम ने साढ़े अरमाना तो थोड़ा पानी फेरिया, पर ये बावजूद कुछ जिले के अंदर अगे नो भी झाड़ वध रहा जिहड़ियां रिपोर्टां आ रही ने। सो असी अपने टीचे जिहड़े अचीव करांगे। सूबे नूं विकसित टैक्नोलॉजी में एक कदम होर अगे ले जाण लई मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगवाई वाली पंजाब सरकार सूबे में इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के बुनियादी ढांचे को होर मजबूत करने लई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने बारे विचार करी है। इस संबंधी जानकारी दिंदिया नवी अते नवियाणयोग ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने दस्सिया कि उन्होंने इस संबंधी ट्रांसपोर्ट, लोक निर्माण, तकनीकी सिख्या ते उद्योगिक सिखलाई, निवेश प्रोत्साहन, हुनर विकास, सैर सपाटा, PSPCL, मकान उसारी ते शहरी विकास अते स्थानक सरकारां समेत सारे भाईवाल विभागों नाल विचार वटांदरा कीता है। अमन अरोड़ा ने पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी पेडा नूं हुनर विकास, सिखलाई, सिख्या, स्टैंडर्ड टैसटिंग अते बैटरी टैक्नोलॉजी को होर मजबूत करने लई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने वास्ते IIT रोपड़ नाल तालमेल करन दे निर्देश दिए ने। इस दे नाल ही उन्होंने इलैक्ट्रिक वाहन नीति को सुचारू ढंग नाल लागू करने लई सूबा सरकार के प्रबंधकी सकत्तरां का वर्किंग ग्रुप बनाने लई भी कहा। सूबे में इलैक्ट्रॉनिक वाहन नीति को लागू करवाने लई सारे भाईवाल विभागों के एकजुट होने की लोड़ ते जोर दिंदे अमन अरोड़ा ने दस्सिया कि सूबा सरकार 2025 तक 25% इलैक्ट्रिक वाहनों का टीचा प्राप्त करेगी। PRTC के चेयरमैन रणजोत सिंह हडाणा ने कहा कि पटियाला का नवा बस अड्डा जल्द तैयार हो जाएगा, तो इसका उद्घाटन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान करेंगे। चढ़दी कला टाइम TV नाल गलबात करदे उन्होंने कहा कि बस अड्डे के रहिंदे कामों को जल्द तो जल्द निपटाया जा रहा है, वर्ल्ड क्लास सुविधावां दित्तियां जाणगियां। उन्होंने कहा कि पुराना बस अड्डा लोकल बसों लई चालू रखा जाएगा। इस मौके उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की निर्भय स्कीम तहत सरकारी बसों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। अज साढ़े मौजूद ने PRTC के चेयरमैन रणजोत सिंह हडाणा, जो कि पंजाब सरकार ने उन्होंने बड़ी वड्डी जिम्मेवारी दी है PRTC की, यानी कि PRTC के बसों की खास तौर पर भी किस तरह जरा PRTC लिया के उपर लैके जाना है। सो गलबात करा हडाणा साहब, बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्रीकाल जी।
सब तो पहला टाइम टी वी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है तो अमरजीत जी थोड़ा भी बहुत बहुत धन्यवाद तुम अज मेरा इतने इंटरव्यू कर ली पहुँचे जिहड़ा ये नवा बस स्टैंड थोड़े दिनों में ही साढ़े सी एम साहब भगवंत मान जी पंजाब नूं ये समर्पित करनगे ये उत्तरी भारत का सब तो हाईटैक बस स्टैंड होगा तो जिहड़ा नवीं सहूलतों नाल लोगों नूं जन समर्पण किया जाऊगा। इस संबंध में पटियाले ज़िले के भी और असी चंडीगढ़ तो भी एक्सपर्ट्स बुला रहे हैं तो वो एक मीटिंग चों एक असी कढ़ांगे भई जिस तरह वड्डे शहरां च दो दो बस स्टैंड हुंदे आ एक बस स्टैंड शहर के अंदर हुंदा छोटा तो नवा बस स्टैंड शहर के बाहर चलता वा। जे गल करिए पटियाले के पुराने बस स्टैंड की पुराने बस स्टैंड के नाल साडे लोअर कोर्ट भी है उस तो बाद साडे होस्पिटल भी नेड़े ने काली माता मंदिर नेड़े है गुरुद्वारा दुख निवार साहब तो कितना कितने रजिंद्रा होस्पिटल भी बहुत नेड़े पैंदा। मेरे हिसाब नाल जो पटियाले एरिए दीआं जिन्नीआं लोकल बसिज आ वह पुराने बस स्टैंड तो चलन तो जिन्नीआं हाईवे दीआं वड्डीआं बसिज आ वह सारिया नवें बस स्टैंड तो चलन ता जो असी लोगों को सहूलत देने वास्ते जिहड़े साडे कदम आ वह इदां ही चलते रहन। जाने की जिस तरह क्या आ रहा है जिहड़ा पुराना बस स्टैंड है वह बंद हो जाएगा बंद नहीं होगा लोकल बसा दे उठ नहीं नहीं कोई इस तरह का कोई प्लान नहीं हैगा ये लोकल बसा वास्ते इदां ही शायद चालू रखा जाएगा। अच्छा एक मेरा होर सवाल सी ना पिछली सरकार दे दौरान बसा दे विच कैमरे लगे जिहड़ा कैमरे दी सारी फुटेज है ना वह पीआरटी दे डिपार्टमेंट दे विच जांदी सी की वह हुण प्रोसैस चल रहा है जां खत्म हो गया। असल जे उहना कैमरे दी गल करिए ना जदों मैं पता किया पूरे पंजाब 10-15% बसा च ही वो कैमरे लगे हुए आ पर असी एक केंद्र वालों ना एक स्कीम आई है निर्भया स्कीम जिहड़ा दिल्ली च निर्भया कांड होया सी उहदे नाम ते भी कितना किते महिलावां नूं नाल किते बस च कोई छेड़छाड़ जां कोई बस लुकी जिहड़ी हुंदी आ उहदे संबंध सुरक्षा नूं लै के जां असी बस च मान लो फड़ना भी कोई कनैक्टर की कर रहा जां कोई ड्राइवर कोई ध्यान नाल बस चला रहा नहीं चला रहा तो आने वाले समय च उस स्कीम के तहत असी सारी बसों को हाईटैक करने वास्ते सारी बसों कैमरे लाने जा रहे हैं तो वह कैमरे साडे इस हैड ऑफिस नाल ऑनलाइन अटैच होंगे। श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अहम बयान दिता है। उन्होंने सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे पूजी एक श्रद्धालु को पहरेदार वालों रोक के मर्यादा का पालन करने लिए आखण उत्ते दोहां विचकार हुई गलबात के मामले में लेकर सोशल मीडिया उत्ते सिखां विरुद्ध सिरजे जा रहे वरतांत की कड़ी निंदा की है। उन्हें कहा कि लड़की वालों माफ़ी मंगने नाल विवाद खत्म हो गया है नाल ही उन्हें कहा कि सिखां खिलाफ़ यह बिरतांत सिरजा जा रहा है जिस उत्ते रोक लगाने की लोड़ है। उन्हें कहा कि दरबार साहब की एक मर्यादा है जिसकी पालना जरूरी है। असल च कुछ समय तो सिखां दे खिलाफ एक नैरेटिव सिरजा जा रहा है तो मैं लगता है कि ये जी घटना वापरी है वह हिस्सा ही है। बेशक लड़की ने माफ़ी मंग ली है चलो चंगी गल है लड़की की माफ़ी के नाल ही इस मसले का अंत हो गया पर कि सिखां के खिलाफ नैरेटिव सिरज के सिखां नूं एक बहुत ही ज़्यादा बदनाम करन दा कुछ जतन जिहड़ा है वह चल रहा है कुछ धिरां ने जिहड़ियां लगियां होईयां ने और सानू इस बिरतांत नूं क्रैक करन दी जिहड़ी है सब तो वड्डी जरूरत है। इहदे लई सिख मीडिया दा पावरफुल होना जिहड़ा है वह बहुत जरूरी है खास तौर पर सोशल मीडिया जिहड़ा साडा उहदा पावरफुल होना जिहड़ा बहुत जरूरी है ते सिख संस्थावां नूं इस पासे जिहड़ा वह ध्यान भी देना चाहिए तां जे साडा सिख संस्थावां दा सोशल मीडिया जिहड़ा स्ट्रोंग होएगा तो असी सिखां दे खिलाफ सिरजे जा रहे ये जिहड़े बिरतांत है इहनूं असी क्रैक कर सकदे हां। हर धार्मिक स्थान की मर्यादा हुंदी है चाहे वह मंदिर है चाहे वह मस्जिद है चाहे वह गुरद्वारा है सिनेगाह है बौद्धियों के टैंपल ने जिहड़े भी उत्थे जाते हैं चाहे वह श्रद्धालु होंगे है डिवोटीज होंगे उस धर्म को मनने वाले होंगे या उस धर्म को मनने वाले नहीं भी होंगे तो उस विधान का उस प्रोटोकॉल का वो जिहड़ा पालन करते हैं। जिवें दक्षण भारत के मंदिरों के जाओ तुसीं तो उत्थे तुसीं धोती पहन के जा सकते हो सिर नंगा रख के थोड़ा जाना पैंदा है तो जिहड़े मंदिर के अंदर जाते हैं वो बकायदा उन्होंने वो मर्यादा का पालन करते हैं। इस तरह साड़ी मर्यादा है कि कोई बंदा तंबाकू सहत नहीं होना चाहिए जोड़े सहत नहीं होना चाहिए सिर ढकया होना चाहिए तो साड़ी भी परंपरावां का जिहड़ा पालन करना जिहड़ा है ये फिर गैर सिखां वास्ते जरूरी है और करना चाहिए।
पटियाला विच SSP वरुण शर्मा ने प्रैस कॉन्फ्रेंस की जिस दौरान उन्होंने दसा कि पटियाला पुलिस के साइबर क्राइम सैल वालों पिछले कुछ समय में मिसिंग फोनों दी मौसूल हुई दरखास्तों उत्ते कार्रवाई करदे अज तकरीबन 70 मोबाइल फोन ट्रेस करके इन फोनों के असल वारसों वापस किए गए हैं। पटियाला पुलिस वालों सबन अपील की गई है कि जेकर किसी का मोबाइल फोन किधरे गुम हो जाता तो तुरंत संबंधित पुलिस सांझ केंद्र विखे मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा के साइबर क्राइम सैल विखे दरखास्त दर्ज करवाई जाए और जेकर किसी व्यक्ति को कोई मोबाइल डिग्या मिलता है तो उसनू नेड़ले थाने या साइबर सैल दफ्तर पटियाला दे सपुरद किया जाए। जिहड़ी पब्लिक की वेलफेयर की भी कोई ना कोई मुहिम या स्पैशल ड्राइव हैगी साडे वालों चलाई जाती उस ड्राइव के मुतलक अज असी इतने समागम रखे है। DSP साइबर क्राइम पटियाला धर्मपाल जी, इंचार्ज साइबर सैल पटियाला प्रितपाल, इन्हां दी सारी टीम ने किसी भी परसन का जदों मोबाइल किसी बस च रह जाता है, किसी ऑटो च रह जाता है, कई बार उन्होंने जेब तो डिग पैंता है, किसी मार्केट प्लेस च डिग पैंता है या किसी भी अन्य कारण की वजह न कितने मिसप्लेस हो जाता है तो वो जो सू एप्लीकेशन देंगे एंड मोबाइल की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराते जी साइबर सैल की DSP धर्मपाल की जी टीम इमीडिएटली ट्रैकिंग पर अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। अज के हालात मोबाइल जोड़ा है वो अपना सारे की जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, ये अपना परसनल डेटा हों, प्रोफेसनल डेटा हों, अपने कॉन्टैक्ट्स होंगे तो जो भी किसी परसन का मोबाइल मिसप्लेस हो जाता किसी भी कारणवश तो उन्होंने बड़ी निजी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। असी बड़े प्रोएक्टिवली पिछले 3 महीनों की इस ड्राइव से अच्छ असी 70 तो 75 मोबाइल फोन जिहड़े लोगों के गवाचे से या मिसप्लेस हो ट्रेस किए तो उन्होंने जोड़े कंसर्न मालिक ने असं इतने बुलाए हैं तो असं उन्होंने मोबाइल जोड़े वापस करा। तुम वेख भी सकते हो कि काफ़ी महंगे स्मार्टफोन्स भी है इन्होंने असी हरेक बंद का ट्रेस करके उस नाम की पर्ची लाई हुई है उसके उपर तो असी अच मोबाइल जोड़े आंसर्न मालिका तो उन्होंने डॉक्यूमेंट चैक करके मोबाइल की मालिकी वेरीफाई करा के असं उन्होंने मोबाइल वापस। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सिख कौम के महान जरनैल जसा सिंह रामगढ़ी के 316 जन्म दिहाड़े संबंधी शताब्दी समागम तहत दिल्ली स्थित तो गुरुद्वारा श्री डकाबगंज साहब तो आरंभ होया खालसा फतेह मार्च अज हरियाणा के पिपली विखे पहुंचा। इस मौके हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों प्रधान बाबा करमजीत सिंह, जनरल सकत्र गुरविंदर सिंह तमीजा, बीबी रविंदर कौर अजराणा और बुलारे कंवलजीत सिंह अजराणा के समूह मैंबर साहबान वालों कुरुक्षेत्र दी संगतां नाल मिलके नगर कीर्तन का भरवां स्वागत किया गया। इस मौके संगत लई लंगर लगाए गए। नीलधारी संपर्दा के मुखी बाबा सतनाम सिंह जी के मार्गदर्शन में नगर कीर्तन में आईया संगतों नूं फ्रूट भी वंडिया गया। इस मौके जथेदार हरदयाल सिंह नीलधारी संपर्दा पिपली ने नगर कीर्तन का स्वागत करदिया सिख कौम के महान जरनैल सरदार जसा सिंह रामगढ़िया के 300 साल जन्म दिहाड़े की बधाई दी है। मैं श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जो कि इस महान नगर कीर्तन चला रही है हरियाणे की धरती ते आउण ते मैं उन्होंने जियाया भी कहना धन्यवाद भी करदा कि उन्होंने इत्थे रुक के नगर कीर्तन दे स्वागत लई इत्थे रुके हैं और संगतां नू दा जी आया उन्होंने कबूल किया। बीबी कौलां जी चैरिटेबल हस्पताल तरन तारण रोड विखे कथा कीर्तन सुखदाई समागम अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पांच सहज पाठ दे भोग चेयरमैन भाई साहब भाई गुरिकबाल सिंह, मैनेजिंग डायरैक्टर भाई साहब भाई हरविंदर पाल सिंह लिटल वीर जी की देखरेख में पाए गए। इस मौके भाई साहब भाई गुरिकबाल सिंह जी, भाई साहब भाई हरविंदर पाल सिंह लिटल वीर जी,
भाई एकविंदर सिंह जी ने कीर्तन करके संगतों को निहाल किया। इस मौके उन्होंने संगत को श्री गुरु अंगद देव जी के प्रकाश दिहाड़े की बधाई दी और गुरबाणी के लड़ लगन की प्रेरणा दी। धन गुरु नानक साहब जी की दूसरी जोत श्री गुरु अंगद साहब जी महाराज जिन्हों के अज सोहने प्रकाश पुरब वाला दिहाड़ा है उन्होंने प्रकाश पुरब मनाते हुए तो महापुरशा का जन्म दिहाड़ा मनाते हुए जेड़े 18 तरीक तो बीबी कौलां जी चैरिटेबल हस्पताल विखे 5 सहज पाठ प्रारंभ किए गए सन साध संगत जी अज उन्होंने भोग पे ने उपरंत 5 तो 8 दीवान सजाए गए जिन्हों बेअंत कीर्तनी जथियां तो अलावा दासां ने भी हाजरी भरी और इस दीवान सैकड़िया संगतां ने हाजरियां भर के सतगुरु जी दीयां खुशियां प्राप्त कीतियां। मैं सारी दुनिया नूं सारे संसार नूं धन गुरु अंगद साहब जी दे सोहणे प्रकाश पुरब दीयां लख लख वधाईयां देना वा। धन गुरु अंगद साहब जी जिन्हां ने सानूं एक बड़ा वड्डा सुनेहा दिता कि साध संगत कोई सोने का भी बन के आ जाए पर गुरु नानक का लाड़ा पानी छड़ना। आपां उन्हां दे इस प्रचार नूं हिरदे च वसाईए साडे हिरदे विच भी गुरु नानक साहब जी दे प्रति ऐसा विश्वास रहे कि धन गुरु नानक जी तेरे भरोसे सां तेरे भरोसे हाँ ते तेरे भरोसे रवांगे। सचखंड फाउंडेशन वालों दिल्ली में अगस्त 2023 की यूथ समिट का आयोजन किया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी अधीन चल रहे माता सुंदरी गर्ल्स कॉलेज में करवाए गए इस यूथ समिट में दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका ने मुख मेहमान वजों शिरकत की। इस मौके एंटरप्रोन्योर इवान लूथरा खालसा एड इंडिया के प्रधान अमरप्रीत सिंह WSCC के प्रधान परमीत चड्ढा पंजाबी गायक महताब विरक शरण जस दिलबाग सिंह मिकसिंग कुंवर विरक गुरसौरभ सिंह मनजीत औलख मास्टर सैफ फाइनलिस्ट गुरकीरत सिंह कमलदीप कौर कशिश नेजा ते होरना ने शमूलियत की। सचखंड फाउंडेशन के प्रधान तरनजोत सिंह गुलाटी और जनरल सकत्र अवजोत सिंह ते होर अहुदेदारां ने आए पतवंतियां दा सन्मान किया। सब तो पहला तो मैं बधाई देवांगा सचखंड फाउंडेशन नूं जिन्हां ने अज ये उपराला रख्या और यूथ समिट जिहड़ी है उहदा आयोजन किया और किता भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उस अदारे दे विच जिथों साडी बच्चियां अपनी जिंदगी दे एक अहम तवील लैके इत्थों जांदी है माता सुंदरी कॉलेज दे विचों और अज दा जिहड़ा इहनां दा मकसद इस समिट करान दा लोगों नूं अपने नाल जोड़न दा और उन्हां लोगों नूं उन्हां डिग्निटीज नूं इत्थे बुलाया है जिहड़े कम्युनिटी के बड़े कुछ काम कर रहे हैं समाज के लिए काम कर रहे हैं और वख-वख तरीके दे नाल वख-वख उन्हां दीयां अपनियां सोचां नूं लैके सारे कार्य कर रहे हैं उन्हां सारे नूं इत्थे बुलाया। मैं इन्हां दी सोच दे उत्ते इन्हां नूं वधाई दिंदा कि जिस तरीके दे नाल तुसीं सारयां नूं बुला के तुसीं अपने मकसद लई जिहड़ी तुसीं सेवावां शुरू कीतियां है मैं समझदा कि बहुत आसान काम होता है किसी संस्था को शुरू करना और उस संस्था का नाम रखना मगर सब तो औखा काम है कि उस संस्था को कामयाब करना। सचखंड फाउंडेशन जी तुसी गुरु महाराज के स्थाना जी नाम रखते हुए इस फाउंडेशन का जो आगाज किया और गुरु घर के जो कार्य होते हैं क्योंकि जिन्हें भी मैं अज तक तुम देखा भावे प्लान डिस्ट्रीब्यूशन की गल है गुरु हर राय साहब के जन्मदिन वाले दिन या जिथे कितने भी सेवा की गल है कोविड के समय की गल है तुम सेवा को तत्पर होकर यह सारे कार्य कर रहे हो और मैं समझता कि इस फाउंडेशन को कामयाब करने वास्ते सब तो वड्डी गल है कि जिहड़ी डेडिकेशन है वह सारी टीम के बीच इको जी होनी चाहिए है। यह नहीं कि अज किसी ने इस फाउंडेशन का किसी प्रेजिडेंट बनाता या किसी सैकटरी बनाता किसी ट्रेजर बनाता उन्होंने ही जिम्मेवारी है सारी टीम की जिम्मेवारी नहीं है। आप अज बहुत वड्डा ईवेंट कराया आगाज द यूथ समिट इस ईवेंट च बेसिकली अपना जिहड़े यूथ है उन्होंने चेरिश करन लई उन्होंने एम्पावर करन लई उन्होंने मोटीवेट करन लई उन्होंने गाइड करन लई आप एक ईवेंट ऑर्गेनाइज कराया जिस च सारे पैनल्स डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स तो अलग अलग लोग आए हैं तो अलग अलग सैलीब्रिटीज इन्फ्लुएंसर आए हैं। मैं ईवेंट बारे होर नहीं दसाँगा मैं सब तो पहला अपनी ऑर्गेनाइजेशन बारे दसाँगा सचखंड फाउंडेशन एक इदा दी फाउंडेशन जो तरनजोत ते मैं मिलके
ते नाल साड़ी अपनी टीम ने मिलकर कोविड के टाइम तो शुरू की सी। ते आज ऑर्गेनाइजेशन इन्नी वड्डी हो चुकी है कि अपने दिल्ली दिल्ली के अंदर 2000+ वॉलंटियर्स ने। मैं थोड़ा दस देना सचखंड फाउंडेशन बारे। कोविड टाइम में असी घर घर जाके कोविड पेशेंट्स नू लंगर वंडिया सी सवेरे ते शाम नू, ते उन जी बंदे जुड़ते गए ते सचखंड फाउंडेशन दा एक फाउंडेशन है वो बिल्ड हुई। ते जिवें कि रवजोत सिंह ने बताया है कि मतलब 2000 वॉलंटियर साडे कोल ने, बच्चे ने, सारे कॉलेजेस दे बच्चे ने, ते सारे रल मिल के सेवा करदे ने, ते एक इनवायरमेंट क्रिएट कर देने कि अच्छी कॉज ली, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी होए। तो यह ईवेंट आगाज़ साडा एक चैरिटी ईवेंट है, तो यूथ लई ईवेंट है कि जो भी प्रोसीड्स इस ईवेंट तो आएंगे उदे विच सानू हेल्प होएगी गरीब बच्चों लई स्कूल बनाने लई, क्योंकि एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सैक्टर है जिहड़ा असीं टारगेट करना चाहते हैं कि स्कूल बने, कॉलेज बने, जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चे उन्होंने कॉलेज बने, स्कूल बने। तो यह ईवेंट का मोटिव है, तो सचखंड फाउंडेशन एजुकेशन लई बहुत कुछ करना चाहती है, तो तुसी सपोर्ट करो सानू, ते तुहाडी ऑर्गेनाइजेशन है, प्लीज़ सानू ज्वाइन करो ते साडे इस कॉज विच सपोर्ट करो। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों श्री गुरु अंगद देव जी के प्रकाश गुरपुरब मौके दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहब विखे गुरमुखी कैंप लगाया गया, जिथे बच्चों नू गुरमुखी बारे जाणू करवाया गया। इस मौके दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन जसप्रीत सिंह करमसर ने संगत नू प्रकाश गुरपुरब की वधाई दी है, बच्चों नू गुरमुखी सीखने की अपील की है। अज दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों साहिब श्री गुरु अंगद देव जी का प्रकाश दिहाड़ा मनाया जा रहा, उस पावन पवित्र मौके पर गुरमुखी लिपि दिवस भी मनाया जा रहा। इस गुरमुखी दिवस से बच्चों को पंजाबी सिखाई जा रही है, पंजाबी पढ़नी सिखाई जा रही है, बहुत सारे बच्चे दे विच हिस्सा लै रहे हैं, स्कूलों तो बहुत सारी संगत भी हिस्सा लै रही ने, बड़ा उत्साह विखा रहे हैं पंजाबी सीखने के वास्ते। उन्होंने पता है जे असी गुरमुखी सीखांगे तो असी गुरबाणी पढ़ांगे, गुरबाणी पढ़ांगे तो साढ़े हिरदियां ते असर करेगी। ये तुरकी बाणी नूं समझना जे उस ब्रह्म ज्ञान का तुसी जे अनुभव करना है तो सानू पंजाबी सीखनी पवेगी, गुरमुखी सीखनी पवेगी। साडी गुरमुखी लिपि इन्नी वधिया गुरमुखी है जो अज तुसी इस क्लास विच अगर संगतां हिस्सा लैंदियां तो उन्होंने पता लगता कि इस गुरमुखी लिपि नूं पढ़ के किन्नियां दुनिया दीआं भाषावां असीं आसानी नाल सीख सकदे हां। इह गुरु साहिबां दी डिज़ाइन कीती हुई गुरमुखी लिपि है, इस गल का भी बहुत वड़ा माण महसूस करते हैं कि बाकी गुर सारिया भाषावां सत्कारयोग ने, उन्होंने भाषावां ते जिन्ने भी उन्होंने अखर ने वो केवल अखर ने, अखरों नूं जोड़ के सेंटेंस बनते हैं, मगर केवल गुरमुखी लिपि 35 अखरी साड़ी इहो जी भाषा है, इहो जी लैंग्वेज है, उहदा एक एक अखर ते आपां घंटियां बद्दी महीनियां बद्दी विचार सच्चा कर सकते हैं। एक एक अखर दे विच इतिहास छुपिया जे आपां नूं समझण दी कोशिश करिए, बड़ी साइंटिफिक लैंग्वेज है जो गुरु साहिबां ने बड़ी तरतीब दी, अज दे दिन इस नूं तरतीब दे के इस नूं बिना सोहना डिजाइन किया गुरमुखी लिपि नूं। तुसीं वेखो असीं पिछे लगाए ने उड़े तो ऊंट ना पढ़ाई है, आपां उड़े तो ओंकार पढ़ाईए, ओंकार तो ओंकार सुनते ही सानूं अंदर जिज्ञासा पैदा होवेगी उड़े का मतलब की होया। कक्का कृपान पढ़ावांगे, कक्का खंडा पढ़ावांगे, ठट्ठा ठंडा बुरज पढ़ावांगे, दद्दा दस्तार पढ़ावांगे। असी जिन्ने भी संसार भर के पंजाबी वसदे ने उन्होंने ये रिक्वेस्ट करते हैं कि तुसीं बाकी भाषावां सीखो, सीखनी भी चाहिए, किसी की पक्की वेख के अपनी कच्ची नहीं ढाई दी, इस पंजाबी भाषा नूं सीखो, इस नूं सीखोगे इन्नी मिठी बोली है। पाकिस्तान लेंदे पंजाब दे विच भी हले भी पंजाबी बोलते हैं, सब तो सोहनी पंजाबी बोलते हैं, मगर साढ़े घर पंजाबी लुप्त होती जा रही है, लोग हिंदी सीख रहे हैं, हिंदी घर बच्चों को बोलते हैं। जे बच्चे हिंदी सीखे गुरबाणी किदा पढ़ने, जे गुरबाणी नहीं पढ़ने अपने सिख विरसे कि जुड़े रहने, हौली हौली उन्होंने घर चो सीखी गुरमत उन्होंने गुरसिखी उन्होंने घर विचों की बाहर चली जाऊगी। जे बच्चों की माँ जे बच्चों की माता ये दृढ़ कर लवे ना कि मैं पंजाबी ते गुरमुखी अपने घरों निकल नहीं देनी, तो उन्होंने घर चो गुरमुखी कदे निकल नहीं सकती। सो सारिया संगतान जिथे अज के इस पवित्र दिहाड़े की मैं बधाई दिना, उ रिक्वेस्ट भी करदा जिसने भी कि हिंदुस्तान के पंजाबी सीखनी हो सू दसो, असं अपने अध्यापक साहबान भेजा तोी सिखा। फरीदकोट में BSF वालों BSF आर्टिलरी की गोल्डन जुबली मनाई गई, इस मौके BSF कमांडर समेत उच्च अधिकारी मौजूद रहे। BSF के अधिकारियों ने साथियों को BSF की आरटी की गोल्डन जुबली की बधाई दी है। इस ट्रॉफी का निर्माण BSF आर्टिलरी गोल्डन जुबली के आयोजन के उपरांत किया गया है। हमने गोल्डन जुबली 1 अक्टूबर 2020 से लेकर के 1 अक्टूबर 2021 तक मनाया, उसमें बहुत से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जिसमें साइकिल रैली प्रमुख था। सारे प्रोग्राम विधिवत किए
और आज वो सारे प्रोग्राम फाइलों में बंद हैं। उन प्रोग्रामों से प्रेरित होकर के बीएसएफ आरटी हेडक्वार्टर में ब्रिगेडियर राजीव लो डीआईजी कमांडर ने इस ट्रॉफी का निर्माण कराया, जिससे कि हमें सदैव ये आभास होता रहे कि हम बीएसएफ आरटी में किस प्रकार से हमने प्रोग्राम आयोजित किए थे। अगर आप इसका साइज देखें तो ये टोटल लंबाई इसकी तकरीबन 8 फीट है, इसका वजन लगभग 30 किलो है। इस ट्रॉफी को एक अलग से बेस बनाया गया है जिसके ऊपर रखा गया है। इस ट्रॉफी के तकरीबन 3 पार्ट हैं, प्रथम फर्स्ट पार्ट, मिडिल पार्ट और अपर पार्ट। अपर पार्ट में आप देख रहे हैं अशोक स्तंभ बनाया गया है। आप 21 पिलर देख रहे हैं, ये पिलर ये प्रदर्शित करते हैं कि इस बीएसएफ आरटी रेजिमेंट के कमांडर और डीआईजी 21 थे, उन सभी के नाम इस पर अंकित हैं। साथ ही वो अफसर जो कि गोल्डन जुबली के दौरान यहाँ पर उपलब्ध थे, उनके नाम भी यहाँ पर अंकित हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि वो शहीद जिन्होंने बीएसएफ आरटी में रहते हुए अपनी जान को दांव पर लगाया, उनके नाम भी अंकित हैं। हमारे वो व्यक्ति जिन्होंने गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त किया है, उनके नाम भी यहाँ पर अंकित हैं। साथ में ये बताना चाहूँगा हमारे वो कमांडेंट जो कि बीएसएफ आरटी रेजिमेंट में अलग अलग लोकेशन पर उपलब्ध हैं, उनके भी नाम इस ट्रॉफी में उपलब्ध हैं। साथ में सबसे विशेष बात जो कि इस ट्रॉफी को सबसे आगे करती है, वो है हमारे गनर्स जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं नीलिंग पोजीशन में बैठे हुए हैं। ये शानदार बीएसएफ आर्टिलरी गोल्डन जुबली ट्रॉफी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम ये ट्रॉफी आज समर्पित करते हैं उन शहीदों के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवा करके बीएसएफ आरटी का नाम रोशन किया है। हम ये ट्रॉफी उनको भी समर्पित करते हैं जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं, जिन्होंने शुरुआत की बीएसएफ आर्टिलरी की। जो ये आप देख रहे हैं पिलर्स, जिस प्रकार से नाम लिखे हुए हैं, ये सब डीआईजीज के नाम हैं जिन्होंने बीएसएफ आर्टिलरी को हेड किया। और ये ट्रॉफी उनको भी समर्पित है जो सर्विंग और रिटायर्ड बीएसएफ आर्टिलरी के हमारे प्रहरी हैं। इन सब के कारण ही आज बीएसएफ आर्टिलरी 50 साल पूरा करने के बाद भी आगे अग्रसर हो रही है और शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है। ये ट्रॉफी हमें हमेशा याद दिलाएगी कि अगर इन गनर्स की तरह अगर हम स्टैंड टू रहें, तैयार रहें, तो बीएसएफ आर्टिलरी हर मैदान फतेह प्राप्त करेगी। जल जीवन बचाओ मोर्चा फरीदकोट वालों फरीदकोट दी नहरां पक्कियां करने खिलाफ पिछले लंबे समय तो धरना लगाया गया सी, जिसनों लैके एस डी एम फरीदकोट मौके पर पहुंचे और उन्होंने अज धरना खत्म करवाया। उन्होंने भरोसा दिता है कि नहरों को कंक्रीट नाल पक्का नहीं किया जाएगा। इतने मैं अज एस डी ओ राजस्थान फीडर के नाल उन्होंने नाल आई हैगी, तो जल जीवन बचाओ मोर्चा वाले ने पहला भी कई बार अपनी गलबात सानू सारी दसी हैगी। तो वो संबंध के असी तुम्हें यही दसना हैगा गा कि भी पिंड मचाकी मल सिंह तो हेठां वल नूं जिहड़ा हैगा गा काम शुरू होना है, जिहड़ा राजस्थान फीडर नहर की रीलाइनिंग का होना है। तो इस संबंधी दौरान राजस्थान फीडर की रीलाइनिंग का होर कोई काम भी नहीं करवाया जा रहा है। हाँ जी, एक्सीएन रमनप्रीत जी उन्होंने भी ध्यान पहला एक दिन मीटिंग हुई सी अशोक चकरा हाल के सारी जथेबंदी ने ध्यान लिया दिता सज एस डी ओ साहब भी आए है कि इन्हों भी दस दिता है जो कि भी किसी भी होर नुकसान तो बचा जा सके। रायकोट अधीन पैंदी दाणा मंडी बस्सियां विखे खरीद एजेंसी पंसप वालों फसल ना खरीदने ते एफ सी आई वालों 30 रुपए की कटौती लगाउण तो भड़के किसान आड़तियां ते मजदूरों ने रायकोट जगराऊं लिंक मार्ग उत्ते धरना लगा के घंटिया बद्धी चक्का जम किया। इस मौके धरनाकारी ने पंजाब सरकार प्रशासन ते खरीद एजेंसियों खिलाफ जम के नारेबाजी की। इस बारे जानकारी दिंदिया प्रदर्शनकारी ने कहा कि दाणा मंडी बस्सियों में पंसप ते एफ सी आई की खरीद है, जिन्हां विचों पंसप ने सिर्फ 50,000 गट्टा खरीदने तो बाद होर फसल की खरीद करने तो जवाब दे दिता है। उथे एफ सी आई वालों दाणा खराब दस के नजायज रूप में 30 रुपए कट के फसल खरीदी जा रही है, जबकि एफ सी आई वालों पिछले कई सालों का किसानों ते आड़तियों का लखां रुपए का बकाया हजे खड़े, जिसनों क्लीयर करने की बजाय नवी फसल उत्ते भी 30 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब न कटौती की जा रही है, जो किसानों ते आड़तियों कदाचित मंजूर नहीं है। इस मौके पहुंचे तहसीलदार रायकोट जगसीर सिंह ने किसानों धरना खत्म करने की अपील की, परंतु किसान मंगा की पूर्ति लिए बजद रहे थे धरना चुकन तो कोरा जवाब दे दिता। अखीर घंटे बदले चक्का जाम होने देर शाम धरनाकारियों के दबाव से
ਝੁਕਦਿਆਂ ਪੰਸਫ ਵੱਲੋਂ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮਸਲਾ ਸਾਡੀ ਬੱਸੀਆਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪੰਸਫ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਣਕ ਲਈ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਦੋ ਦੋ ਢਾਈ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ 'ਚ ਉਹ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ 30 ਰੁਪਏ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਸਫ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50,000 ਗੱਟਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜਿਆ, ਸਾਡਾ ਡੀ ਐਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਲੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ 5-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਣਾ ਕਾਲਾ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਦਾਣਾ, ਜੇ ਕਾਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਟੌਤੀ ਲਵਾਉਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਟੌਤੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਜਾਇਜ਼ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, 30 ਰੁਪਈਆ ਕਟੌਤੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚ ਗਏ ਉਹ ਖੱਟ ਗਏ, ਹੁਣ ਜੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨਾਲ 30 ਰੁਪਈਆ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਜ਼ਾਮਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਐਡਾ ਕੁ ਲਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹਾੜੀ ਸੋਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਬੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਫਿਲੌਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਲੌਰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਆਰ ਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਉਪ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਥਾਣਾ ਗੁਰਾਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਲਸੀ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮੋਮੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਲੀ ਆਰ ਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਸਰਥ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਸਕੈਨਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮੋਮੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣਾ ਫਲੋਰ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਗੋੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਭਗੌੜੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਅੰਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਥਾਣਾ ਟਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੁਕਾਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।